आज एक नजर डालते हैं कोरोना योद्धा सपा नेत्री नेहा गौड़ द्वारा निरंतर किए जा रहे जनहित कार्यों पर। उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ में लॉकडाउन के चलते सपा नेत्री नेहा गौड़ वास्तव में कोरोना योद्धा के रूप में ऐसा कार्य करती हुई नजर आ रही है कि यहां इसकी टक्कर पर लड़की, औरत या कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा है जो इसके सामान्य कार्य कर रहा हो। यह कभी स्टेशन पर यात्रियों को खाने का सामान, ठंडा जल, चाय, बिस्किट व बच्चों के लिए दूध बांटने का सराहनीय कार्य, कभी गायों कुत्तों को खाना खिलाना, कभी बसों में यात्रियों के लिए वस्तुएं देना, कभी गरीब दिहाड़ीदार जरूरतमंद मजदूरों को मास्क, दवाई, खाने पीने व राशन बांटना आदि सराहनीय कार्यों में सबसे आगे दिख रही हैं। यह एक ऐसी अकेली लड़की है जो लॉकडाउन 1 से अब लॉकडाउन 5 में भी कोरोना से जंग में डटी हुई है। जब से लॉकडाउन लगा है, जब से कोरोना से जंग में लगातार कार्य करती दिख रही हैं। इलाके में इसके मुकाबले कोई भी ऐसा जनहित व धर्मार्थ का कार्य नहीं करता हुआ दिख रहा है जैसा कि ये कर रही हैं। तबियत खराब होने के बावजूद भी जरूरतमंदों के लिए सामान लेकर दौड़ पड़ती हैं। अपने इलाके में मेरठ नगर निगम के कर्मचारियों के साथ मिलकर अकेली दबंग लड़की ने कई बार सैनिटाइजर करा दिया है। यही नहीं, इसके इलाके में बने पार्क में जहां शराबी लोग रात के वक्त पेड़ों के पीछे छिपकर शराब पीते थे, तो उसने उस पार्क को सरकारी कर्मचारियों के साथ खुद गर्मी में उनके साथ खड़े होकर साफ करा दिया, जहां से बहुत भारी संख्या में शराब की खाली बोतलें भी मिली हैं। साथ ही निगरानी के लिए खुद रात के समय लठ लेकर खड़ी होकर पहरा दिया है कि कोई भी व्यक्ति अब भी शराब पीने के लिए इधर पार्क में आता है या नहीं। ऐसे हिम्मत वाले कार्य पुरुषों के होते हैं, लेकिन यहाँ एक लड़की करती दिखाई दे रही है। मीडिया समक्ष नेहा ने बताया कि मैं अखिलेश यादव जी के बताए गए मार्गदर्शन पर ही कार्य कर रही हूँ। वे एक अच्छी छवि वाले नेता हैं जो दूसरों को भी बुराइयों से संघर्ष करना सिखाते हैं। हम लॉकडाउन का अनुपालन करते हुए कोरोना से जंग में लगातार लोगों को घर में रहना, मास्क लगाकर रखना, उचित दूरी बनाकर रखना व अपने हाथों को साबुन से धोते रहना आदि के बारे में सतर्क व जागरूक कर रहे हैं ताकि कोरोना जैसे विश्व महामारी। मास्क लगा के रखना, नहीं तो मैं कल लेकर आऊंगी। लो भैया, कीप डिस्टेंस बना के रहिए, मास्क लगा के रहिए, सैनिटाइजर करिए, सफाई का अपने आस पड़ोस में बहुत ध्यान रखिए, सफाई के ऊपर बहुत ध्यान रखिए। कहीं भी अगर आप ऐसी सफाई की जगह देखते हैं तो सफाई कराइए, कीप डिस्टेंस। मेरठ से न्यूज रिपोर्ट।